की, जहां यूपी सरकार के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। कोरोना काल में डॉक्टरों और चिकित्सकों के द्वारा किए गए कामों की सीएम योगी ने जमकर तारीफ की, साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों का भी ब्यौरा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, बोले कालखंड में कोई गरीब नहीं हुआ परेशान। चिकित्सक सम्मेलन में उपलब्धियों का बखान, उत्तर प्रदेश में बह रही परिवर्तन की बयार। उत्तर प्रदेश में कोरोना दम तोड़ चुका है। सरकार के मजबूत इरादे ने और 3T फॉर्मूले ने कोरोना पर काबू पा लिया है। इसी कड़ी में आज आगरा में सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिकित्सक सम्मेलन में शिरकत की, जहां सीएम योगी ने हेल्थ सेक्टर में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का सम्मान करने के लिए SNJ गोल्ड फॉर्म पहुंचे, जहां कोरोना काल में डॉक्टरों के कामों की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, कोरोना काल में जब दुनिया परेशान थी, उस काल खंड में कोई गरीब परेशान नहीं हुआ, कोई गरीब भूख से नहीं मरा, ये सब पीएम की मजबूत इच्छा शक्ति से संभव हो सका। तब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई, दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए, जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के, कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा, गरीब कोई परेशान नहीं हुआ। कार्यक्रम में सीएम ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा, 2014 के बाद से ही देश में परिवर्तन चल रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं का काम कोरोना आने से पहले से हो रहा है। सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन को नारी सुरक्षा का प्रतीक बताया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बहन और बेटी को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, नारी गरिमा का प्रतीक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के बीच में बना हुआ शौचालय, प्रत्येक घर में बना हुआ शौचालय इस बात का प्रमाण बना। कार्यक्रम में सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा, देश में 69 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ था, लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक 33 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ, जो हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा परिवर्तन है। 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में, लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदर्शितापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर की तैयारी पर सरकारी ब्यौरा भी सबके सामने रखा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। आज हमारे पास 2 लाख बेड हैं, जो कोविड या उसके जैसे किसी भी महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं। यूपी ने अब तीसरी लहर से निपटने की भी तैयारी कर ली है। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अभाव में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा गया कि कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपके पास ICU की सुविधा होगी, कितने में नहीं है, तो 75 में से 36 ऐसे जनपद थे जहां पे एक भी ICU का बेड नहीं था, और आज हर एक जनपद में हमारे पास
लगभग 100 आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं, और अगर मैं L1, L2, L3 की फैसिलिटी की सुविधा की बात करता हूं तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के 2 लाख बेड्स होती हैं। और केवल द्वितीय लहर को ही नियंत्रित करने में नहीं बल्कि तीसरी लहर की आहट के बीच में भी हम लोगों ने उसकी पहले से तैयारी कर ली है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अभाव में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के और यशस्वी नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर संभव हो पाया है। बता दें कि यूपी में कोरोना की लहर कमजोर हो चुकी है जो सीएम योगी के बेहतरीन प्लानिंग से ही संभव हुई। ऐसे में सीएम योगी ने न सिर्फ डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया बल्कि सरकार की योजनाओं का भी ब्यौरा दिया है।